सनम मकबूल फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। देखिए सनम मकबूल ने रैप डिस्क चैलेंज यानी कि रैप डिस्क टास्क जो हुआ था आज घर में, चार लोग जो हैं उन्होंने बेसिकली इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, अरमान मलिक, रणवीर शौरी, सना मकबूल और सना सुल्तान। देखिए नैथी के पास वो पावर थी कि वो डिसाइड कर सकते थे कि वो किसको चार बेसिकली कंटेस्टेंट को उतारेंगे मैदान में, और देखिए ये चारों उतरे। और बाहर वाला मौजूद है तो मैं आप सबकी क्यों सुनूं, कंटेस्टेंट्स पर तंज कसने थे सबसे ज्यादा। अच्छा जो तंज है वो कसा वो मकबूल ने, सना मकबूल ने बहुत बड़ी पावर बन गई है की सना मकबूल जी हाँ के लिए दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए ड्यूटीज डिसाइड कर रही हैं। आप देखिए ड्यूटीज, आपको भी पता है जब से कंटेस्टेंट आए हैं उसके बाद से बस एक बार डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, बट अब घर वालों का ड्यूटी जो है वो बदल चुका है और सना मकबूल ने डिसाइड किया है कि किसको क्या ड्यूटी मिलेगा। हालांकि सना मकबूल ने यहाँ पर सबकी रजामंदी से और सबसे पूछ गई कि वो किस ड्यूटी को करने के लिए कंफर्टेबल हैं, तभी सना मकबूल ने ड्यूटीज डिस्ट्रीब्यूट की हैं। विशाल ने सबके सामने बोला कि वो बाथरूम की ड्यूटी कर लेंगे, लेकिन उसके बाद विशाल और सना में थोड़ा लंबा डिस्कशन हुआ कि विशाल को ये जो ड्यूटी थी बाथरूम वाली वो नहीं करनी थी, और सना मकबूल के साथ वो वही बातें शेयर करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि तूने बोला या फिर तेरी बात थी कैप्टनसी की, तो इसीलिए मैंने जो है वो जाने दिया। देखिए कैप्टनसी है, स्पेशल पावर है, फिलहाल इस बात से तो पर्दा नहीं उठा, बट हाँ कैप्टन वाले ही बेसिकली थर्ड बैट हैं सना मकबूल की, क्योंकि जो हाउस ड्यूटीज हैं वो डिसाइड करने की जो पावर है वो सना मकबूल के हाथों में है फिलहाल। और देखिए उन्होंने पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन कर ली है, और देखिए जो कंटेस्टेंट्स बहुत खुश नजर आए अपनी ड्यूटी से वो अरमान मलिक हैं। अरमान मलिक जो पहले ड्यूटी करते थे उन्हें अभी भी वैसी ही ड्यूटी मिली है, तो ही इज हैप्पी डूइंग दैट। और बाकी इसके अलावा सना मकबूल तो देखिए पावर जीत ही चुकी है, इसलिए सना मकबूल फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए।